चलिए वोटिंग ट्रेंड के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि इस हफ्ते जो है घर से बेघर होने के लिए 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और वोटिंग लाइन सिर्फ 2 बजे तक ही ओपन है, यानी कि कुछ ही टाइम जो है आपके पास बचा है, कुछ ही मिनट जो है आपके पास बचे हैं। अगर आपने अभी तक भी अपने फेवरेट खिलाड़ी को वोट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जियो सिनेमा ऐप पर जाइए और वहाँ पर जाके अपने फेवरेट खिलाड़ी को वोट कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि आज शाम तक कौन आखिरकार घर से बेघर हो सकता है? क्योंकि लवकेश कटारिया को जो है बिग बॉस द्वारा एक स्पेशल पावर मिलने वाली है, क्योंकि लवकेश जो है इस वक्त बाहर वाले हैं और इसकी अनाउंसमेंट जो है बिग बॉस लगातार जो है कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर मुनीषा को वो सेव करना चाहते हैं तो वो लवकेश को ये पावर दे सकते हैं सेव करने की, क्योंकि पिछली बार भी जो बाहर वाला था और उसके पिछली बार भी जो बाहर वाला था सना सुल्तान और साई केतन राव, उनको जो है सेव करने के लिए भी ऑप्शन दिया था। अब देखेंगे कि आखिरकार बिग बॉस क्या पावर देते हैं लवकेश को और उस पावर का कैसे लवकेश जो है इस्तेमाल करते हैं। पर 6वें नंबर पर मुनीषा ही है। अगर देखा जाए, अगर वोटिंग के हिसाब से जाए तो मुनीषा जो है बहुत जल्दी घर से बेघर होने वाली है आज ही शाम तक। ये सब चीजें जो है जब भी होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगी अपडेट। पोलमी दास भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, वो भी खतरे में है। अगर मुनीषा बचती है तो पोलमी दास को भी बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि पोलमी दास काफी ज्यादा पंगे जो है मेकर्स के साथ ले रही है और अगर मेकर्स को पसंद नहीं आया कोई कंटेस्टेंट तो वो किसी भी तरीके से जो है उस कंटेस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। 4वें नंबर पे हैं चंद्रिका। चंद्रिका जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है और ये सब चीज़ें जो है लोगों को साफ तौर पे दिखाई देती है, लोगों के दिलों में जो है ये इस तरीके से जगह तो नहीं बना सकती है। मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान नॉमिनेट नहीं है तो शांति में बैठा है और जब नॉमिनेट हो जाता है तब वो जो भी चीज़ करता है तो वो बनावटी ही दिखाई देती है और वो बनावटी ही होती है, तो ये सच्चाई जो है चंद्रिका की दिखाई नहीं दे रही है। और 3रे नंबर पे हैं नेजी। नेजी जो है 3रे नंबर पे आ चुके हैं, पर देखा जाए तो नेजी जो है ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे थे और सबसे ज़्यादा वोट जो है नेजी को ही मिली थी, पर अब जो है नेजी हो चुके हैं पीछे और इनके आगे 2रे नंबर पे आ चुकी हैं शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी को अच्छे वोट मिल रहे हैं, शिवानी को कॉन्फिडेंट भी है कि भाई अब जब 2 बार वो बच चुकी है तो अब मैं जाने वाली हूँ नहीं, ये चीज़ पता चल चुकी है शिवानी को। कॉन्फिडेंट रखना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए, जो कि शिवानी बीच में हो गई थी, जो कि घमंड दिखाई दे रहा था, बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करती जो है वो घूमती रहती है, थोड़ा सा मतलब कि डबल पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव भी है शिवानी में, नेगेटिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी नेगेटिव है या ऐसा नहीं है वो पूरी पॉजिटिव है, तो दोनों चीज़ें जो है इसमें हैं और कभी कभार उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पर पॉजिटिव चीज़ को यूज़ करना है कहाँ पर नेगेटिव को, तो उससे उल्टा कर देती है जिसके बाद जो है लोग उसके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हूँ उसके ऊपर जब वो गलत करती है। पहले नंबर पे हैं विशाल पांडे। विशाल पांडे होने भी चाहिए पहले नंबर पे और अच्छे लोग वोट भी कर रहे हैं, विशालियंस काफ़ी ज़्यादा वोट कर रहे हैं, तो आपने किसको की है वोट और आप क्या चाहते हैं कि मैं किसको सपोर्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसको सपोर्ट करूँ कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।